नमस्ते। इस वीडियो के माध्यम से मैं 2019 में IIT JEE में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो ज़्यादा देरी किए, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक परिवार में पिता की आयु उसके बेटे की आयु का 5 गुना है, माँ की आयु उसके दूसरे बेटे की आयु का 4 गुनी है, माता पिता की आयु का अंतर बेटों की आयु के योग के आधा है, तो क्या वे जुड़वा हैं दोनों भाई, या उनकी उम्र का अंतर 5 है, या एक बेटे की आयु दूसरे की तुलना में 2 गुनी है, और चौथा ऑप्शन जो है हमारा उनकी आयु का योग 5 से अधिक है। तो देखिए मैथ है, तो मैथ में हम सब लोग जानते हैं कि मान के चलते हैं, और मान के जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो करेंगे। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। एक परिवार में पिता की आयु उसके बेटे की आयु का 5 गुना है, तो बेटा का आयु मान लेंगे एक्स, तो पिता का आयु खुद हो जाएगा 5 गुना है बेटे की आयु से, तो 5x, 5 गुने एक्स बराबर 5x। अब माँ की आयु उसके दूसरे बेटे की आयु का 4 गुनी है, यानी एक और बेटा है जिस दूसरा बेटा की आयु हो जाएगा मान लेंगे y, और माँ की आयु जो है दूसरे बेटे की आयु का 4 गुना, तो माँ की आयु अब 4 × y = 4y। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, माता पिता की आयु का अंतर बेटों की आयु के योग के आधा है, यानी माता पिता का जो आयु है, तो अब इसमें से हम कैसे कहेंगे कि पिता की आयु से माता की आयु घट रहा है। तो हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि लड़के लोग इस मामले में बड़े होते हैं, तो ऐसे भी मान लेंगे कि पिता ही बड़ा होता है माता से, और आजकल के ज़माने में शायद ही कभी ऐसा हो जाता है। तो कह रहा है माता पिता की आयु का अंतर, यानी पिता का है 5x माइनस माता का है 4x, इसका अंतर बेटों की आयु के योग का आधा है, तो बेटा का एक बेटे का है x, दूसरे का है y, x प्लस y और योग का आधा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर x प्लस y, 10x माइनस 8y इक्वल टू x प्लस y। अब x इधर आ जाएगा तो 10x माइनस x, y उधर चला जाएगा 10x प्लस 8y, 9x इक्वल टू 9y। अब 9 कट जाएगा, x इक्वल टू y, यानी एक बेटा का आयु दूसरे बेटे की आयु का बराबर है, यानी ऑप्शन जो है हमारा वे दोनों जुड़वा है। जब भी हम जानते हैं कि दो बराबर होता है तो उसका जुड़वा बोलेंगे। यदि मैं सही एक टाइम पे जन्म लिया हूँ, उसी टाइम पे अगर तुम में से भी कोई एक जन्म लिए हो, तो हम दोनों जुड़वा हुए, मतलब ऐसे नहीं लेकिन एज के हिसाब से जुड़वा हुए। अगर एक ही माता के हम दोनों भाई है तो जुड़वा कहलाएं, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए, वे दोनों जुड़वा हुए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि बेटा का आयु को हम x माने हैं और पिता का आयु 5 गुना है, एक बेटे की आयु से तो 5x हो गया, दूसरे बेटे का आयु y मान लिए और माँ की आयु जो उस बेटे के 4 गुना है, तो 4y हो गया, क्योंकि 4 गुना है, 4 गुने y इक्वल टू 4y, 4y। अब कह रहा है कि माता पिता की आयु का अंतर 5x माइनस 4y, इसका अंतर दोनों बेटों का योग x प्लस y का आधा, यानी x प्लस y बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कैलकुलेशन आएगा, और इससे हमारा दोनों का आयु पता चलेगा कि आयु के योग का आधा है, तो क्या हुए दोनों भाई क्या है, तो हुए दोनों भाई जुड़वा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बोलोगे तो रीजनिंग साइंस भी का वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं भी इसी का एक्सपीरियंस हूँ IIT JEE का, तो साथ में तैयारी करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।